ज़रा रुकिए, आप जानना चाहते हैं आपके साथ गलत करने वालों को क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा? आपके अपने पार्टनर को और इस थर्ड पार्टी को आपको धोखा देने का, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने का क्या कर्मा भुगतना पड़ेगा? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या कार्ड्स आपको आज बताना चाहते हैं। कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं। ये आप क्रिस्टल्स देख रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा लो है, और अगर आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने ऑरा को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप ये चार्ज क्रिस्टल्स आप बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, बुकिंग करवाइए और ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स आप तक पहुंच जाएंगे। राइट, फाइन। चलिए, अगर आप लोग कार्ड्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो एनर्जीज भी स्किप हो जाएंगी। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए। ओके, सो देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या कर्मा आ रहा है, क्या डिवाइन ने इनके लिए सोच के रखा हुआ है। कुछ पहले आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करते हैं, फिर लेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जीज़। सो डिवाइन एनर्जीज़, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है। ओके, सो आपकी एनर्जीज़ में सबसे पहले निकल के आया है नाइन ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट करना ज़रूरी है ताकि आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएँ, आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर मैच हो पाएँ। सो फर्स्ट कार्ड ने ही आपकी कहानी यहाँ पर बयां कर दी है। जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं, जहाँ पर भी अभी आप हैं, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। आप में से कई ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि रो रहे हैं। बुरा, बहुत बुरा वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, बुरा समय आप देख रहे हैं। आपके अपने ही लोगों ने आपके आसपास तलवारें खींच दी हैं। आपके अपने ही लोगों ने आपको इस हाल में ला करके छोड़ दिया है कि आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हो और ना ही अपने ज़िंदगी में कुछ कर पा रहे हो। थक के, हार के बैठ चुके हो, निराश हो चुके हो, हताश हो चुके हो। उदासियों ने आपको घेर रखा है। किसी से मिलने का मन नहीं हो रहा, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। खुद को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कोशिश कर रहे हो बाहर निकलने की, लोगों से मिलने की, लेकिन आप में से कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा दुख में और तकलीफ़ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो डेफिनेटली चीज़ें उतनी आसान नहीं हैं जितनी आप सोच रहे हैं। सो डेफिनेटली आप ट्रबल्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, और आपके पीठ पे जिसने खंजर घोपा है वो आपका ही पार्टनर है, आपका ही पर्सन, आपका अपना ही प्यार है। इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। हैप्पीनेस, खुशियाँ जैसे ज़िंदगी से चली सी गई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। वाओ, देखो, ओ माय गॉड, एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। आप लोगों में से कई लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने या फिर किसी ने आपके ऊपर कुछ ऐसा कर दिया है, या ब्लैक मैजिक या कोई नेगेटिविटी या कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके आसपास होती हुई दिखाई दे रही हैं कि आप अपने को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कई बार फील होता है कि आपको किसी ने बांध रखा है या फिर आप तकलीफ़ में हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एहसास होने लगा है कि ये आपका कोई कर्मा है जो आपको भुगतना पड़ रहा है आपके पार्टनर के थ्रू, और ये पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ और दुख झेलने देने के लिए ही आपकी ज़िंदगी में शामिल हुआ है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, सो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप चलाता है या चलाती है, अपनी चलानी है, अपनी खुशियों के बारे में ही इस पर्सन को सोचना है। तो आपकी एनर्जीज यही आ रही है कि आपने कई काफ़ी टाइम तक आपने ये सब किया है, ये सब आपने झेला है, जैसा जैसा आपके पार्टनर ने बोला वैसा आपने किया है। राइट, आपको, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जीज खुद ऐसी नहीं आ रही है कि आप अपने
लिए स्ट्रांगली खड़े हो सकें, आप अपनी अपने लिए स्टैंड ले सकें। तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ये निकल करके आ रही है क्योंकि आपके पार्टनर ये चाहते रहे हैं हमेशा से कि उनकी ही चले, उन वो जो बोले वही सब लोग करें। सो इस तरीके का कुछ नेचर है आपके पार्टनर का और ये चीज़ आपको कई बार तकलीफ़ दे गई, दुखी कर गई। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो ये पार्टनर है ना, ये आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, ठीक है, और सिर्फ इसको अपना ख्याल है और थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा और अपने सुख भरे हुए हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि सारा दिन इस थर्ड पार्टी के दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही छाया रहता है और इस पैसे की वजह से ही इसने आपके पार्टनर को आपसे अलग किया है। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस, परेशान, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए और बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। आपके पार्टनर में अजीब सा बदलाव आ चुका है, अचानक से अजीब सा बदलाव जो आपके पार्टनर के अंदर आया है वो आप सहन नहीं कर पा रहे हो, रोते हो, रात भर रोते हो और दिन में भी कहीं कुछ करने जाते हो तो काम में मन ही नहीं लग रहा है। तो वो कहीं ना कहीं एहसास यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, राइट। अब देखते हैं यहाँ और थर्ड पार्टी के बीच और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। ओके, सो देखिए यहाँ आया है 3 of Swords का कार्ड, राइट, जो यही बता रहा है कि जिस इंसान ने, जिन लोगों ने आपको रुलाया है, आपको तकलीफ़ दी है, उनके दिल में भी दर्द होगा, तकलीफ़ होगी। क्लेम कीजिए जल्दी जल्दी, कर्मा क्लेम कीजिए। फर्स्ट कार्ड ने ही ये दिखा दिया है, जिस तरीके से आपको रुलाया, आपको तकलीफ़ दी, आपको दर्द दिया है, उसी दर्द से आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी को गुजरना पड़ेगा। ये दर्द का एहसास इनके दिल में इतना गहरा घाव कर जाएगा कि उसको भर पाना इनके लिए मुश्किल हो पाएगा। सो आपके पार्टनर के लिए डेफिनेटली यहाँ पर हार्ट ब्रेक आ रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ज़रूर कुछ ऐसा होने वाला है जो इनका हार्ट ब्रेक कर जाएगा, राइट। आपके पार्टनर को धोखा मिलेगा, तकलीफ़ होगी, उसी चीज़ का यहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में झगड़े, लड़ाइयाँ और गिल्ट दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आई है। सो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे ताकि एक नई शुरुआत कर सकें। आपके साथ कंपैरिजन किया गया, आपके पार्टनर ने बहुत आपके साथ कंपेयर किया कि अपने को देखो और उसको देखो। सो हर मामले में थर्ड पार्टी को आपसे ज़्यादा ही रखा गया है, राइट। सो यहाँ पर यही चीज़ आ रही है कि आपके पार्टनर सोच कर समझ के तो गए थे, लेकिन ये जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा तहस नहस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जस्टिस क्लेम कर लो, जस्टिस जल्दी जल्दी क्लेम कीजिए जस्टिस, क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आपके लिए न्याय लेकर के आया है, आपके लिए सही फैसला होने वाला है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी को और आपके पार्टनर को कर्मा मिलेगा, उनका बुरा वक्त बहुत जल्द शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपका वक्त बहुत जल्द अच्छा शुरू होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत बैलेंस बना करके रखने की ज़रूरत है और आपका जो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड या खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो जस्टिस तो क्लेम कर लो जल्दी जल्दी, न्याय मिल रहा है, आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द कुछ एक्शन लेने वाले हैं, इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेने वाले हैं और जब जैसे ही ये चीज़ें सामने आएंगी, जैसे ही इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आएगा, वैसे ही न्याय आपके लिए आ जाएगा। और ये न्याय का कार्ड यही बता रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो मांग रहे हो, वो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, जस्टिस ज़रूर मिलेगा, राइट। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखें कि आपके पार्टनर बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। इन दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली जाएंगी कि इन दोनों के बीच में बहुत बुरी तरीके से झगड़े और कलेश होने शुरू हो जाएंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि निकल कर के आई है। ओके, सो क्लेम कीजिए 888, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर रिपीट हो रहा है और ये कार्ड डेफिनेटली यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में ये आप देखोगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का सेपरेशन हो रहा है।
थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ करके जा रही है, या फिर आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी की लाइफ से रिमूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो बहुत जल्द आगे आने वाले टाइम में ये कर्मा इनको भुगतना पड़ेगा कि इन दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, कोई एक फ्रस्ट्रेशन में आकर के दूसरे को छोड़ करके चला ज़रूर जाएगा। दोनों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, राइट। सो एनर्जी इज़ डेफिनेटली यहाँ पर ब्लॉक दिखाई दे रही है, और इस ब्लॉक कंडीशन में आपके पार्टनर जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा सोल्यूशन निकल पड़े कि, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ भी ना तो सुनने को ना ही मानने को तैयार है, राइट। सो देखिए यहाँ पर 4 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और झगड़े होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, और इन झगड़ों की वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो उनके हेल्थ में कुछ गिरावट आ सकती है, राइट। कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आ सकती हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, फिज़िकल हेल्थ में, अगर टाइम से ध्यान नहीं दिया गया तो। सेलिब्रेशंस का कार्ड, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। देखो आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि आपके जो ये पार्टनर है ये करती है इनके साथ फेयर, ठीक है, ये जो कोशिश करती है अपनी तरफ से ठीक करने की ही कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेशंस का या 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस, थर्ड पार्टी पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। सो आपके पार्टनर जो हैं वो अब इस चीज़ को कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द सन का कार्ड यही बता रहा है कि बहुत जल्द आपके जीवन में आपकी खुशियाँ लौट करके आती हुई दिखाई दे रही है, और इन लोगों ने जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है सबका कर्मा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। सो इस ये अंधेरी काली रात है आपकी ज़िंदगी में, बहुत जल्द उजाला होने वाला है, बहुत जल्द पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर, बिकॉज़ ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। सो रीयूनियन लिखिएगा, राइट। और अगर आप लोग कर्मा चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर्मा लिखना है आपको, आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का, बिकॉज कार्मिक्स ही हैं जो आपको न्याय दिला सकते हैं, राइट। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो चलिए मिलते हैं अगले चैनल पर, और देखते हैं आगे आने वाले कार्ड्स क्या बता रहे हैं आप लोगों के बारे में।